हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एमवीज ऑफ ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर उपस्थित हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन GS CSAT 10,000 क्वेश्चंस के पार्ट थर्ड में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू को जो है कि एमवीज ऑफ ऑफिशियल के ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दिया है, अपलोड हो चुका है, वो आप देख सकते हैं उसे। फ्रेंड्स, ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम लोग क्वेश्चन 35 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक क्लियर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें आपको बंचेस ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे नए मेहमान हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ हाईएस्ट एज। कह रहा है कि जो डेंसिटी है वाटर की वो हाईएस्ट है, डेप्थ इंक्रीजेस एंड सॉलिनिटी इंक्रीजेस, डेप्थ डिक्रीजेस एंड सॉलिनिटी इंक्रीजेस, डेप्थ इंक्रीजेस एंड सॉलिनिटी डिक्रीजेस, डेप्थ डिक्रीजेस एंड सॉलिनिटी डिक्रीजेस। तो फ्रेंड्स, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो 35 का ए होगा। इस कंडीशन में क्या है कि डेंसिटी जो सी वाटर की तब बढ़ती है जब डेप्थ इंक्रीज करे और उसके साथ साथ सैलिनिटी भी इंक्रीज करे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ द लीवर इज़ टू, जो लीवर है, हम लोग लेके लीवर घूमते हैं, वो लीवर का काम क्या है। प्रमोट डाइजेशन ऑफ फूड, प्रमोट रेस्पिरेशन, स्टोर ग्लूकोज एज ग्लूकोजन, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, स्टोर ग्लूकोज एज ग्लूकोजन। सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, टेम्परेचर ऑफ पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज सेलेक्टेड सो एज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किल ऑल बैक्टीरिया, स्टोर इट फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट कोएगुलेशन, किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर हार्मफुल बैक्टीरिया। सो द रिक्वायर्ड एंड द स्पेसिफिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 37 डी, किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर हार्मफुल बैक्टीरिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 38, वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ पेस्ट इन स्टोर्ड ग्रेन्स। कह रहा है कि ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि स्टोर जो ग्रेन्स है उसके ग्रोथ में जो है कि होता है। तो द मॉइस्चर ऑफ ग्रेन्स, द टेम्परेचर ऑफ ग्रेन्स, द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ ग्रेन्स एंड नन ऑफ द अबव। तो द रिक्वायर्ड आंसर इज मॉइस्चर ऑफ ग्रेन्स। जो अनाज की नमी है वही पेस्ट को पैदा करती है। एंड 39 इज ऑफ अ फ्री, कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ जो फ्री लिखा हुआ है वो फ्री की जगह पे ट्री होगा, और ये एनसीईआरटी के आपके क्लास 7th के बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कह रहा है कि एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स, द बाई थिकनेस ऑफ द बार्क, बाई द बल्क ऑफ द ट्री एंड बाई नंबर ऑफ लीव्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 39 का ए। जब पेड़ को काटा जाता है तो उसकी तहनी जो तना है उसमें आपको रिंग्स देखने को मिलेंगे, और उसी से पता चलता है कि ये पेड़ कितने साल पुराना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड इज थ्योरी ऑफ डार्विन। डार्विन ने एक रूल दिया हुआ था, डार्विन चाचा थे, उन्होंने एक रूल दिया हुआ था, वो रूल क्या है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वीक एंड स्ट्रॉन्ग ऑलवेज मेंटेन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट अराइज बाय जेनेटिक म्यूटेशन, एंड द लास्ट इज नॉन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 40 का ए, इट इज़ द करेक्ट आंसर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इनके कहने का मतलब ये है कि नेचर में वही जो है कि स्पीसीज
जीवित रह सकती है जो फिट हो उस वातावरण के अनुसार, और उसके साथ साथ वो एग्जिस्ट करने की क्षमता रखता हो, स्ट्रगल करने की क्षमता रखता हो। और सिंपल सी बात यही है फ्रेंड्स, आज के ज़माने में अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 41 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं, इन हाई माउंटेन रीजन्स ब्लीडिंग थ्रू नोज ऑकर्स बिकॉज। अगर माउंटेन रीजन्स की बात करें तो अगर आप चढ़ते हैं ऊपर तो फिर जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ने लगते हैं तो कंडीशन ऐसी आती है कि नाक से ब्लड निकलने लगता है, तो आखिर इसका क्या रीज़न है? अगर CID वाले चढ़ें तो ACP प्रद्युम्न कहेंगे कुछ तो गड़बड़ है दया, तो व्हाट इज़ द गड़बड़ बिहाइंड इट, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इज़ हायर देन द आउटसाइड प्रेशर। कहने का मतलब क्या है कि जो ब्लड कैपिलरीज का जो प्रेशर है वो आउटसाइड प्रेशर से अधिक हो जाता है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, ये 41 तक था, अब आइए इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हियर इट इज़। 1 लीटर ऑफ कोल्ड एयर वेज हैवियर देन द ड्राई एयर 1 लीटर बिकॉज ऑफ द, कह रहा है कि 1 लीटर जो ठंडा एयर है वो 1 लीटर ड्राई एयर से हैवियर है, क्या रीज़न है इसका? तो इसका रीज़न सिंपल सा, मासूम सा रीज़न है, इंक्रीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट लो टेम्परेचर। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड द 43 इज़ द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी इम्प्लाइज। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब बट इट डेवलप्ड इन यूट्रस। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप्ड इन द टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन द यूट्रस बट डेवलप्स इन द टेस्ट ट्यूब। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड एम्ब्रॉयो डेवलप्स इन यूट्रस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 43 ए, ए फॉर एप्पल। तो इसका जो पहला वाला होगा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ ड्यू टू वायरस फंजाई बैक्टीरिया या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ बैक्टीरिया। जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। आइए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47, 48 देखते हैं। 45 है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड विटामिन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड विटिलिटी आर ऑब्टेंड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और डॉक्टरों वाला क्वेश्चन है कि आप ये खाइए ये खाइए, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, अक्सर डॉक्टर कहते रहते हैं, वो अलग बात है कि वो खुद नहीं खाते। सो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, सीरियल्स मिल्क एंड वेजिटेबल्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, व्हेन लाइट एंटर्स अ क्लोज्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल इन द डोर द इमेज ऑफ एन आउटसाइड बिल्डिंग अपीयर्स एज एन इन्वर्टेड ऑन द अपोजिट वॉल। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है कि जब लाइट किसी क्लोज रूम में एंटर करती है किसी दरवाजे के एक स्मॉल होल से, तो जो इमेज है आउटसाइड बिल्डिंग का वो वॉल पे अपोजिट बनता है और इन्वर्ट बनता है, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न बिहाइंड इट इज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 47 की अगर हम बात करें तो कह रहा है, द ग्रोथ ऑफ सीडिंग प्लांट्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन विल नॉट ऑलवेज बी प्रॉपर बिकॉज ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन रूट हेयर्स गेट डैमेज। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन रूट हेयर्स गेट डैमेज। सो द करेक्ट आंसर इज बी, द BCG वैक्सीनेशन इज टू बी गिवेन टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इमिडिएटली आफ्टर बर्थ विद इन 40 आवर्स एंड विद इन 7 डेज। एक ऑप्शन उसका और होगा, तो 48 का जो ऑप्शन है वो ए फॉर एप्पल सही है। BCG का टीका तुरंत दिया जाता है। सो ये रहा फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे।
Correct, an ordinary clock loses time in summer. This is because. Correct, एक साधारण जो घड़ी है वो जो है कि गर्मियों के दिन में थोड़ा धीरे चलता है. रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा सिंपल सा है साहब, कि द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज एंड टाइम पीरियड इंक्रीजेज. जो पेंडुलम का लेंथ है वो इंक्रीज कर जाता है और उसके साथ साथ जो टाइम पीरियड है वो भी इंक्रीज कर जाता है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे. करा कि अ बॉल बाउंसेज हायर एट हाई एल्टीट्यूड्स देन इन प्लेन्स. दिस इज बिकॉज. क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न है द रेयरफाइड एयर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस टू द बॉल. क्वेश्चन नंबर 51 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन सा मेटल इसमें जो है यूज़ किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो आपका सॉफ्ट आयरन है इसे यूज़ किया जाता है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52. द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज दे हैव अ बेटर विजन इन द डार्क. दे द लाइट स्टार्ट्स देम, दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक्स एंड नन ऑफ देम. सो द करेक्ट आंसर इज दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक्स. फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक है. अल्ट्रासोनिक का एक रेंज होता है फ्रिक्वेंसी का. तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइनर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड. द करेक्ट आंसर इज एस्ट्रॉइड्स. फ्रेंड्स एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, हम मकर संक्रांति के बाद एमवीज ऑफ ऑफिशियल पर एक श्रृंखला शुरू और करने जा रहे हैं, जिसमें आप वीडियोस को देखेंगे और वीडियोस के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप इससे प्राइज भी जीत सकते हैं. सो फ्रेंड्स ये एक कंपटीशन है जो कि 2019 के पूरे साल तक चलने वाला है. सो फ्रेंड्स आप एमवीज ऑफ ऑफिशियल के साथ बने रहें. और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एमवीज ऑफ ऑफिशियल एक ऐसा चैनल है जो कि आपको तैयारी कराने के साथ साथ जो नए फॉर्म्स निकल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का हो, सबके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. इट इज़ अ कम्प्लीट पैकेज विच इज़ रिलेटेड टू जॉब, दैट इज़ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब. इट डजंट मैटर, किसी भी तरीके का जॉब हो अगर वो आपके लिए है, अच्छा है, तो उसकी वीडियो आपको एमवीज ऑफ ऑफिशियल पे ज़रूर मिलेगी. सो फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहें. और क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं कि अजंता केव्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ. तो जो अजंता केव्स है वो लोकेटेड कहाँ है भैया? ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में. और इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, इसका जवाब हमको आप कमेंट बॉक्स में देंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर वेलफेयर इज इंडिकेटेड बाय. जो कंज्यूमर वेलफेयर है वो किस चीज़ से इंडिकेट करता है? सेविंग, डिस्पोजेबल इनकम, एक्सपेंडिचर या फिर नॉन ऑफ द अबव. तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं. करा डिफरेंट नोट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्लूट बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग द होल्स, क्लोजिंग द होल्स, क्लोजिंग द अल्टरनेट होल्स या क्लोजिंग द लास्ट टू होल्स. तो इसका जो आंसर है वो है क्लोजिंग एंड ओपनिंग द होल्स. जो बांसुरी है उसमें अलग अलग नोट्स निकलते हैं, तो जब आप होल्स जो उसमें 6 होल्स होते हैं आप उनको बंद करेंगे, ओपन करेंगे, तो वहाँ से आपको अलग अलग नोट्स मिलेंगे. सो वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 57. विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम पावर एनर्जी. ऐसा कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि सबसे अधिक पावर एनर्जी प्रोड्यूस करता है? सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर, जी हाँ आप एकदम सही बता रहे हैं, भाखड़ा नांगल. ये इसका आंसर है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सिंस इंडिपेंडेंस. ऐसा कौन सा रिमार्केबल
एस्पेक्ट है इंडियन इंडस्ट्री में, आज़ादी के बाद मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन. सो द करेक्ट आंसर इज डाइवर्सिफिकेशन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्टिविटी बिंग लो, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ लॉट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. द रीजन बिहाइंड इट इज इट एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एनिमल प्रोडक्ट्स, लेदर एंड मीट, सिल्क एंड पॉलिस्टर, लिनन एंड सिल्क, कॉटन एंड सिल्क. सो द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली यू आर राइट 16 का ए, लेदर एंड मीट. And the next question is recent discovery of method of reducing salination of soil. So the correct answer is 61th ka A, spreading of husk on the soil. To ye raha iska. Ab aate hain question number 62 pe. What is the government's trade policy? So the trade policy is export promotion and import substitution. Ye dono hain. तो इसके लिए हमको ऑप्शन सी लगाना होगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वेल वी हैव टू मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 63. व्हाट फैक्टर्स चेंज द लैंडस्केप ऑफ इंडिया मोस्ट इन द लास्ट सेंचुरी. इरिगेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन. सो द करेक्ट आंसर इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम rural to urban areas. So B is the correct answer of this question. Well, we have to move the next question. That is a very good question and it is related to our politics. Karab, which are the two states next to UP having maximum representation in Lok Sabha? So the correct answer is absolutely 64th A, Bihar एंड महाराष्ट्र. यूपी के बाद बिहार और महाराष्ट्र वाले ही साहब लोकसभा में चपे हुए हैं. अब आइए आगे बात करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, इलेक्टेड बाय डायरेक्टली बाय द पीपल, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स बाय प्रिंसली स्टेट्स. सो द करेक्ट आंसर इज इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल assemblies. Question number 66 is what is the power of Rajya Sabha regarding money bill? Regard money bill ko lekar Rajya Sabha ke paas kya taakat hai? It can withhold the bill for 14 days to make recommendations. 14 dinon tak ye apne paas us bill ko rakh sakta hai. Friends, UPSC ho chahe SSC ho, UPPCS हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको क्रैक करने के लिए आपको पढ़ना होगा. पढ़ने के साथ साथ एक चीज़ और ये ज़रूरी हो जाती है कि बेहतर ढंग, बेहतर नोट्स आपके पास होने चाहिए. सो फ्रेंड्स, एमवीज ऑफ ऑफिशियल के जितने भी ऑफिशियल मेंबर्स हैं इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि एक ऐसा जो प्लेलिस्ट बनाया जाए जिसमें ऐसे वीडियोस को रखा जाए जिससे आपका एसएससी हो, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 10th लेवल का हो, चाहे 12th लेवल का हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, आप उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें. सो फ्रेंड्स, इस पे काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी आपको इसके वीडियोस भी मिलने वाले हैं. सो बींग बी एट अस, हमारे साथ बने रहें और जो है कि जो भी अपडेट्स मिलती हैं आप अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पे अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आप तक नोटिफिकेशन वो जाए और आप उसका लाभ ले सकें. आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं. द क्वेश्चन इज 67. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द नेक्स्ट ओलंपिक एंड एशियन गेम्स विल बी हेल्ड रिस्पेक्टिवली एट. तो ये उस समय का क्वेश्चन है और
इसका जो आंसर होगा वो सीधा सा आंसर है, ए फॉर एप्पल, मॉस्को एंड न्यू दिल्ली, उस समय का ये है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान व्हेन शाह ऑफ ईरान लेफ्ट द कंट्री। द आंसर इज मेहदी बाजारगन, नाम बड़ा अच्छा है वैसे, सॉरी सॉरी सॉरी, द आंसर करेक्ट आंसर इज बी, माई मिस्टेक, सॉरी सी, शाहपुर बख्तियार। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। वेल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडिया वोन लास्ट हॉकी ओलंपिक गोल्ड मेडल इन 70 B 1964। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इट, जो पहला एशियन गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो 71 का ए फॉर एप्पल, न्यू दिल्ली इन 1950, 1950 में हुआ था ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड फर्स्ट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि चॉकलेट पर हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, तो उसी तरीके से देर इज़ अ फ्रीडम फाइटर हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल। सो द करेक्ट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक, BGT। ग्रेशम्स लॉ इन इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू सप्लाई एंड डिमांड, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, कंजप्शन ऑफ एंड सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो द करेक्ट आंसर इज सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट, द फैक्ट इज प्रूव्ड बाई टर्मोइल इन ईरान, बाई हाइक इन ऑयल प्राइसेज, बाई ओपेक, बिकॉज इंडिया हैज पॉलिटिकल रिलेशंस विद ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज मल्टी नेशनल्स हैव सेट अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बाई हाइक इन ऑयल प्राइसेज, बाई ओपेक एंड राइज इन टैक्सी फेयर्स ऑल ओवर। क्वेश्चन नंबर 75 इज रिपोर्ट सेज द नंबर ऑफ बस एक्सीडेंट्स इज मोर देन दैट ऑफ कार एक्सीडेंट्स, द नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक एक्सीडेंट्स, द नंबर ऑफ ट्रक एक्सीडेंट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ बस एक्सीडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स डू यू ड्रॉ फ्रॉम द रिपोर्ट, आप इससे कौन सा कंक्लूजन जो है कि निकालते हैं। देयर आर मोर बसेज ऑन रोड, देयर आर मोर ट्रक्स ऑन रोड, ट्रक ड्राइवर्स आर वेरी केयरलेस, नॉन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ए, देयर आर मोर बसेज ऑन रोड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट गोल्ड ऑक्शन पॉलिसीज एम्ड एट चेकिंग ऑफ स्मगलिंग एंड रिड्यूसिंग द बजटरी डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसका ए ही सही होगा, ये ए ही सही होगा इसका, और बाकी ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएंगे। प्रमोटिंग ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स, मेकिंग गोल्ड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स फॉर ऑर्नामेंट्स, प्राइस स्टेबलाइजेशन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज इन 25 नेशनल गेम्स हेल्ड एट हैदराबाद रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स स्टूड फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली इन द फाइनल टैली ऑफ मेडल्स। उस समय की अगर बात है तो उस समय जो केरला और महाराष्ट्र था ये आए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट रिनंबर्ड एज 43rd अमेंडमेंट, वो क्या था, कौन सा सुधार था, तो वो सुधार था रिस्टोर्स टू द हाई कोर्ट टू द एंड सुप्रीम कोर्ट देयर ज्यूरिडिक्शन टू कंसिडर द वैलिडिटी ऑफ एनी सेंट्रल और स्टेट लॉ। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79, विच पार्टी हैज़ वोन द मेजोरिटी इन द रिसेंट इलेक्शन बांग्लादेश, तो उसमें बांग्लादेश में कौन जीता था, तो बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी
अपने झंडे गाड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन द कॉन्करेंट लिस्ट, सो द एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। वेल फ्रेंड्स वी हैव टू मूव, मैंने कहा था कि केवल 80 तक ही आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस हैं तो मैं बता देता हूँ आगे तक। एक दो क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 एंड क्वेश्चन नंबर 82। करें द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इन 1978 द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए सफर्ड सेटबैक ऑन अकाउंट ऑफ, क्या रीज़न था? तो इसका जो रीज़न था वो ए फॉर एप्पल वाला रीज़न है। पहला, यूएस डिक्लाइनिंग फॉर सप्लाई ऑफ यूरेनियम ऑफ तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, नागालैंड का जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है वो क्या है? तो नागालैंड का जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। सो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो, ये पार्ट थर्ड है आपके 10,000 क्वेश्चंस का जो कि यूपीएससी के जीएस में आए हुए हैं, सीसेट में आए हुए हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की आईएएस बनने के लिए। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको एसएससी में भी मिलने वाले हैं, आप बीपीएससी में भी मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल स्पेशली यूपीएससी के लिए ही बनाया गया है, लेकिन अगर आप इसे देखते हैं तो आपका एसएससी और भी जो पीसीएस अदर स्टेट्स के हैं वो भी तैयार होने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर दोज कैंडिडेट्स, दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ऑफ जस्ट लाइक यूपीएससी पीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम्स। सो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें ताकि इस तरह की चीज़ें जो हैं और लोगों तक पहुँचे, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन ज़रूर होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशनल रिवॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम जल्द ही इसका पार्ट 4 लेकर भी आने वाले हैं क्योंकि जल्दी जल्दी पार्ट्स आएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।